बिहार में गिर जाएगी महागठबंधन की सरकार। लालू नीतीश की मुलाकात के बाद आरजेडी में आया बड़ा बदलाव। अमित शाह के बयान के बाद नीतीश कुमार को लेकर सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। नीतीश को लेकर भाजपा नेताओं में नरमी देखने को मिल रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दिया। चौधरी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे तो उनका स्वागत करेंगे। इस बयान के बाद राजद का रिएक्शन सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद बिहार में नीतीश कुमार को लेकर अटकलेबाजी तेज हो गई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर भाजपा के साथ जा सकते हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस अटकलबाजी को और हवा दे दी। जी हां, सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे तो उनका स्वागत है। इस बीच लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री आवास जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव एक साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। सियासी गलियारों में तरह तरीके के कयास लगाए जाने लगे। इस बीच आपको बता दें चले, हालांकि तेजस्वी यादव ने इसे एक सामान्य मुलाकात बता दिया। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बिहार में भाजपा का सूपड़ा साफ होगा। सरकार गिरने और नीतीश कुमार के भाजपा के साथ जाने की अटकलों के बीच राजद का रिएक्शन भी सामने आया। राजद प्रवक्ता ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि राजद में कोई टूट नहीं होने वाली है। सरकार जिस रफ्तार से राज्य के विकास के लिए काम कर रही है उससे भाजपा घबरा गई है और अफवाह फैलाने में लगी है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि राज्य में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की सरकार राज्य के विकास में लगी है। लोगों को रोजगार, नौकरी, आर्थिक रूप से कमजोरों को आवास, निर्माण के लिए राशि, स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देने के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी चला रही है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।